हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग संगीता। कैसे हो आप? आशा करती हूँ कि अच्छे हो। फ्रेंड मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज की रेसिपी बहुत ही टेस्टी होने वाली है फ्रेंड, क्योंकि हम रोज जैसे सब लूची की रेसिपी और छोले की रेसिपी मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक नए तरीके से। तो हम छोले को भिगो लिए थे फ्रेंड रात भर के लिए। यहाँ मैंने काबुली चना लिया है, आप चाहें तो मटर भी लिया जा सकता है। और नमक और हल्दी का पाउडर डालकर हम इसे अच्छे से 3 से 4 विसल आने तक इसे हम पकाएंगे फ्रेंड। इधर मैंने सत्तू ले लिया है, थोड़ी सी चीनी, नमक, काली मिर्च पाउडर, कलौंजी, थोड़ी सी अजवाइन और इसे अच्छे से मिलाएंगे फ्रेंड। हल्के से इसमें पानी देंगे हम कि भुरभुरी सी ये हो जाए। एक चम्मच इसमें ऑयल डालेंगे, सरसों का ऑयल। इधर मैंने ले लिया है 2 कप मैदा, थोड़ी सी नमक, अजवाइन, कलौंजी, घी और थोड़ी सी यहाँ पर मैंने बेकिंग पाउडर ली है फ्रेंड, कस्तूरी मेथी। अब इसे अच्छे से मिलाकर हम रोटी से थोड़ी सी टाइट डो तैयार करेंगे फ्रेंड। और इसे हम रेस्ट देंगे 10 से 15 मिनट का। इधर मैंने एक पैन में 1 चम्मच ऑयल, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, प्याज, टमाटर सारे को डालकर हम सॉटे करेंगे। टमाटर मैंने यहाँ पर 2 से 3 लिया है, थोड़ी सी धनिया पत्ती की डंठल जो कि बहुत ही अच्छी फ्लेवर देगी हमें। तो यहाँ मैंने 2 बड़े चम्मच, 1 बेली, थोड़ी सी जीरा से हम इसका तड़का लगाएंगे फ्रेंड। और इसके बाद मैंने तैयार किया हुआ पेस्ट डाल दिया। अब हमारे जो बेसिक मसाले होते हैं घर के वो मैंने डाल दिया है इसमें। इसे अच्छे से भुनेंगे फ्रेंड। देखिए फ्रेंड चना कितना पक चुका है, तो मैंने इसे डाल दिया है और इसे एक बॉयल होने तक इसे हम पकने देंगे। अब अपने दाल, मेरे यहाँ इसे दाल मखनी बोलते हैं, इसी से मैंने दाल को घोट के रख दिया था। आप चाहें तो इसे मैसर से भी मैस कर सकते हो और गाढ़ा होने तक पका लें। थोड़ी सी गरम मसाला और थोड़ी सी धनिया की पत्ती से मैंने इसे गार्निश किया है और ठीक होने तक पका लिया फ्रेंड। तो यहाँ मैं लूची तैयार कर रही हूँ, 15 मिनट हो चुके थे फ्रेंड। तो अब हम थोड़ी थोड़ी स्टफिंग डालेंगे इसमें, ज़्यादा हमें स्टफिंग नहीं डालना है क्योंकि सत्तू के पराठा नहीं बन रहे फ्रेंड। हमें लूची बनानी है एक अलग तरीके से, ये बहुत ही फेमस है हमारे यहाँ की, इसलिए मैंने सोचा कि यह रेसिपी आपको दूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, एकदम हाई फ्लेम में इसे हम फ्राई करेंगे, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट पुड़िया बन के तैयार होगी और बहुत ही टेस्टी लगेगी फ्रेंड, एकदम रुई जैसे नरम। और इसमें जो मैंने चीनी डाली थी तो इससे बहुत ही हल्की हल्की सी मीठी फ्लेवर की टेस्ट आएगा इसमें। एक बार जरूर ट्राई करिए ये रेसिपी को प्याज के लच्छे के साथ। तो कैसी लगी ये रेसिपी बताइएगा जरूर। अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो आज मेरे 700 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं फ्रेंड, इसी तरह सपोर्ट करें। थैंक यू।